हेलो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो मध्य प्रदेश जुडिशियल प्रीलिम्स के रिगार्डिंग है और इस वीडियो में मैं जो सब्जेक्ट्स हैं जुडिशियल प्रीलिम्स के उसके रिगार्डिंग आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए ताकि कम से कम समय में आप मैक्सिमम आउटपुट किस वे से निकाल पाएंगे और थोड़ा आइडिया देना चाहूँगा कि किन किन सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा फोकस दें। और इस वीडियो के बाद एक फर्दर वीडियो पोस्ट की जाएगी जिसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग पोस्ट किया जाएगा। बट अभी के लिए आपको मैं सीक्वेंस बताना चाहूँगा कि आप जब भी एमपी जुडिशियल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, जो कमिंग एग्ज़ाम है, उसमें आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इस सीक्वेंस में पढ़ें और आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे एज फार एज द स्टडी इज़ कंसर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस है कि आपको जो एमपी जुडिशियल प्रीलिम्स के लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को इस सीक्वेंस से स्टडी करना चाहिए, आप अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ इसमें आपको आर्टिकल नंबर्स और जो इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज़ हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की पावर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आर्टिकल्स आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं। और इससे भी बारीकी से अगर टॉपिक आप फोकस करें, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 1 to 50 बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न। ये सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अपार्ट फ्रॉम इट, अभी जो टेक्निकली जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, मैं एक और वीडियो पोस्ट करूँगा जिसमें टारगेटेड होगा इन सब्जेक्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप प्रिपेयर करके जाएं एमपी जुडिशियल प्रीलिम्स के लिए। सेकंड जो सब्जेक्ट है आप स्टार्ट कर सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और फ्रेंड्स, आप एक चीज़ समझिए, जो आपका एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स और जो जुडिशियल का एग्जामिनेशन है, दैट इज़ द इनिशियल स्टेज। तो आप उसके लिए ट्रायल्स पे इतना फोकस मत दीजिए, एक बार सिर्फ आप रीड करिए। और जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड चार्जेस वाला पार्ट है, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक्स टिप्स पे रखने हैं जब भी आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं। और मैं स्पेसिफिकली वीडियोस और पोस्ट करूँगा जिसमें इन स्पेसिफिक जो इंडिविजुअल सेक्शंस की भी बात की जाएगी कि आपको ये सेक्शंस कवर करने हैं। नेक्स्ट जो है इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में आपको जो इसमें एमपी जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, दैट इज़ के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, और उसके अलावा जो इसके इलस्ट्रेशन पार्ट है, इलस्ट्रेशन पार्ट डायरेक्टली पुट किए जाते हैं एमपी जुडिशियल में। फ्रेंड्स, टू बी वेरी फ्रैंक, जो एमपी जुडिशियल का एग्ज़ाम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इट इज़ बिट ईजी। तो आप अगर इस वे से भी प्रिपेयर करते हैं, देर आर मोर चांसेज यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम। तो आप इन पर्टिकुलर चीज़ों को फोकस करो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है आप अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्टडी में। नेक्स्ट जो कवर किया है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एंड एमपी लैंड रेवेन्यू। ये इस वजह से मैंने पहले कवर किए क्योंकि इनमें कोई कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं है। आप जल्द से इन चीज़ों को कवर करके ये सब्जेक्ट्स आपके साइड पे हो जाएंगे और आप इनको सिर्फ बाद में 1 या 2 दिन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, एमपी लैंड रेवेन्यू, आपको ये सब्जेक्ट्स मैंने पहले तो बताए ताकि आप इनको एक बार गो थ्रू करके आप सिर्फ रिवीजन के लिए इनको बाद में पिक कर सकते हैं। अब जो मेन टाइम है, दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, ये भी इतना एवरेज रखता है, मिनिमम 8-10 क्वेश्चन। तो आपको ये वाले सब्जेक्ट्स गो थ्रू करके देन यू स्टार्ट विद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसमें से तकरीबन 15 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सेम इज़ द वेटेज फॉर आईपीसी। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से गो थ्रू करो ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। नेक्स्ट जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें मैंने एक वीआईपी ग्रुप में मैसेज पोस्ट किया था विच वॉज रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स एंड ऑर्डर्स। तो आप जो सेक्शन नंबर्स हैं इन स्पेसिफिक 1 to 25 जो लार्जर चंक में आपको बता रहा हूँ, और मैंने इवन एडिशनल जो सेक्शन नंबर्स पोस्ट किए थे ग्रुप में वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट ऑर्डर नंबर 1 to 10, ऑर्डर नंबर 27 to 37, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपको एक बार रीड आउट करना है, बट इन स्पेसिफिक इनको सबसे पहले गो थ्रू करना है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो इंडियन पीनल कोड है इसमें आप जो कंसर्न्ड ऑफेंसेस हैं, अपार्ट फ्रॉम इट मैंने इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का वीडियोस प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने ये अभी तक गो थ्रू नहीं किए तो आप एक बार वो वीडियोस को वॉच करके यू कैन गेट अ जिस्ट ऑफ इट कि इन सब्जेक्ट्स में क्या चीज़ कवर्ड है। तो इंडियन पीनल कोड में स्पेसिफिकली आपको सेक्शन नंबर 1 to 120 इम्पॉर्टेंट है, और ऑफेंसेस एंड इन बिटवीन जो सेक्शंस हैं वो मैंने वीडियोस में प्रोवाइड किए हैं, आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है डायरेक्टली क्वेश्चंस का जो पुट किए जाएंगे, दैट विल बी ऑफेंसेस एंड इवन द इलस्ट्रेशंस ऑफ द ऑफेंसेस। और कई बार डायरेक्टली जो सेक्शन नंबर पुट किए जाते हैं दे आर फ्रॉम द ऑफेंसेस। आपको ये चीज़ें अच्छे से गो थ्रू करनी है और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें तकरीबन 6-7 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आपको इसमें चैप्टर नंबर्स एंड इवन यू शुड नो अबाउट द स्पेसिफिक सेक्शंस। तो ये जो जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इनको आपको टोटली पूरे का पूरा गो थ्रू करना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें जो कंसर्न टाइम पीरियड्स हैं उसका आपको ध्यान रखना है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, दैट इज द डेफिनेशन क्लॉज, दैट इज बेलमेंट, एजेंसी, गारंटी, प्लेज, ये सब पॉइंट्स आपको गो थ्रू करने हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनमें आपको और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एक बार सर जस्ट ओवरऑल प्रोविजन गो थ्रू करनी है, इसमें कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। तो इसके अलावा जो इंग्लिश एंड जीके का पार्ट है उसको फ्रेंड्स आप रोज़ का कुछ टाइम एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। आप रोज़ का जो जीके एंड इवन कंप्यूटर नॉलेज में जो कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे फाइंड कर सकते हैं रिगार्डिंग द बेसिक टर्म्स, रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजी, आपको इजीली वो आपका पार्ट कवर अप हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पुट किए जाते। इट कुड बी द फुल फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज रैम, इट कुड बी रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज HTML, एंड इसमें आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा डेटा ऑनलाइन, तो आपको स्पेसिफिक बुक फॉलो नहीं करनी। बट जो इंग्लिश और जीके है इसको आप रोज़ थोड़ा बहुत टाइम एलोकेट कीजिए, ऑटोमेटिकली टिल द डे ऑफ एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू कवर द कंटेक्स्ट। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो होगा इट विल बी रिगार्डिंग इन स्पेसिफिक जो इन सब्जेक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, कौन कौन से सेक्शन नंबर्स आप गो थ्रू करो अच्छे से। आई विल बी कवरिंग दैट। फॉर अ टाइम बिंग आप इन सब्जेक्ट्स को, जैसे क्रिमिनल लॉ का पहले क्लब किया CRPC एविडेंस, देन आई हैव केप्ट द क्रिमिनल लॉ लेटर ऑन इंडियन पिनल कोड, और ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक बार थोड़ा बहुत सिलेबस गो थ्रू कर चुके हैं। अदर वे अराउंड अगर आप क्रिमिनल लॉ रीड कर रहे हैं देन इट शुड बी IPC आप सबसे पहले स्टडी करेंगे, देन CRPC, देन एविडेंस एक्ट। दिस इज ऑब्वियसली आई हैव काउंटेड दैट आप एक बार थोड़ा सा सिलेबस गो थ्रू कर चुके हैं, देन आई हैव कवर्ड द IPC लेटर ऑन। तो इन बिटवीन मैंने क्लब किया सिविल कोड को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल कोड में थोड़ा बोरिंग भी नहीं लगेगा आपको, थोड़ा चेंज मिल पाएगा जब भी आप स्टडी करते हैं। तो IPC के बाद दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इन सीक्वेंस को आप फॉलो करो, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे जुडिशियल एग्ज़ाम में, MP प्रीलिम्स में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाता है इस चैनल पे आपको साथ ही साथ उसका अपडेट मिल पाए। थैंक्स अ लॉट।